गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर वन वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम के हर मॉल में चल रही सेक्स मंडियों के खिलाफ अब मॉल में दुकान चलाने वाले लोग भी लामबंद होने शुरू हो गए हैं। वीरवार को गुरुग्राम के एमजी रोड पर मेगापोलिस मॉल में यहाँ पर जितने भी शॉप ओनर्स हैं उन्होंने इन स्पा सेंटर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। सबको ज्ञात है कि गुरुग्राम में जितने भी मसाज पार्लर चल रहे हैं इनमें सब में काला धंधा, अवैध धंधा किया जा रहा है और धड़ल्ले से यहाँ पर देह व्यापार किया जाता है जो किसी से छिपा भी नहीं है। आए दिन गुरुग्राम पुलिस भी इस तरह के मसाज पार्लर्स पर छापा मारकर वेश्यावृत्ति करने वाले लोगों को गिरफ्तार करती है। बावजूद इसके गुरुग्राम में लगातार ये व्यापार फल फूल रहा है और इन पर कोई भी नकेल नहीं कसी जा रही है। अब विषय ये आ गया है क्योंकि दिल्ली में अब मसाज पार्लर बंद हो रहे हैं, इसीलिए अब जितने भी दिल्ली के मसाज पार्लर ओनर थे वो गुरुग्राम का रुख कर रहे हैं। गुरुग्राम में पहले ही सैकड़ों मसाज पार्लर्स हैं। अगर हर मॉल की यहां पर बात की जाए तो दर्जनों मसाज पार्लर इन मॉल्स के अंदर खुल गए हैं, जहां माहौल इतना गंदा हो गया है कि पारिवारिक लोग मॉल में जाते समय भी कतराने लगे हैं, जिसकी वजह से मॉल्स के अंदर बनी दुकानों के व्यापारियों को अब कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। चूंकि उनकी दुकानों पर अब व्यापारिक लोग नहीं आते हैं, खरीदारी करने नहीं आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी सब विरोध के कारण अब सभी व्यापारी इकट्ठे हो गए हैं और गुरुग्राम में खोले जाने वाले मसाज पार्लर्स के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, ये व्यापारी कुछ दिन पहले गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला से भी मिले, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि गुरुग्राम में मसाज पार्लर्स को बंद कराया जाएगा और दिल्ली से आने वाले मसाज पार्लर्स ओनर्स को यहां पर मसाज पार्लर खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ दिनों के इस आश्वासन के बाद एक बार फिर से गुरुग्राम में मसाज पार्लर्स खुलने शुरू हो गए हैं और इसी के खिलाफ अब व्यापारी लामबंद हो गए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गुरुग्राम में जितने भी मसाज पार्लर्स हैं इनके अंदर देह व्यापार किया जाता है और पुलिस इन पर नकेल कसने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हुई है। इसी साल जनवरी में गुरुग्राम न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह धड़ल्ले से गुरुग्राम के मॉल्स में बने स्पा सेंटर्स में सेक्स व्यापार धड़ल्ले से किया जा रहा है और बिना किसी डर के ये लोग खुलेआम इस तरह का काला धंधा कर रहे हैं, जिस पर पुलिस नकेल कसने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है और इसी का फायदा उठाकर यह व्यापार इतना फल फूल रहा है कि एक मॉल के अंदर दर्जनों स्पा सेंटर्स खुल गए हैं और माहौल को गंदा कर रहे हैं। आपको पहले उस स्टिंग ऑपरेशन की कुछ झलकियां दिखाते हैं, उसके बाद आपको इन व्यापारियों के रिएक्शन सुनवाएंगे कि आखिरकार इन लोगों की समस्या क्या है और क्यों आखिरकार अब ये स्पा सेंटर्स के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पहले आप जो हमने 7 जनवरी को इसी साल स्टिंग ऑपरेशन किया था वो जरा आप देखिए कि किस तरह धड़ल्ले से कैमरे के सामने जो स्पा सेंटर्स चलाते हैं वो धड़ल्ले से देह व्यापार को कबूल रहे हैं और इस व्यापार को बिना किसी पुलिस के डर के धड़ल्ले से चला रहे हैं। क्या कुछ चार्जेस है? 500 है। 500? कितना समय? 1 घंटे का। 1 घंटे? तो उसमें बॉडी मसाज होता है? नहीं, 45 मिनट का या 1 घंटे का? पूरा 45 मिनट का होता है और 15 मिनट का शावर होता है। ओके, कुछ नहीं करना। और जो मसाज करने वाली लड़कियां वो कौन सी, नॉर्थ ईस्ट या वो इंडियन? तो कुछ एक्स्ट्रा वगैरह भी होता है क्या? हो जाएगा, अंदर कर लेने का 1.5 हज़ार का। ठीक है, करा दो, पेमेंट करा दो। टोटल फुल सर्विस नहीं होती, सिर्फ सेक्स होता है। अच्छा। बॉडी टू बॉडी सेक्स। अच्छा, हाँ करा दो, टोटल पेमेंट करा दो। 1500 से स्टारिंग होता है अंदर। अच्छा, 1500, 1200, 1300, 1500 में फुल सर्विस। ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम में अभी ये मसाज पार्लर खुलने शुरू हुए हैं, बल्कि पिछले कई सालों से लगातार इस तरह के स्पा सेंटर्स खुल रहे हैं। धीरे धीरे इनका व्यापार इतना बढ़ गया है कि किसी भी मॉल में आप चले जाइए वहां आपको माहौल इतना गंदा मिलेगा कि आप अपने परिवार के साथ उस मॉल में जा नहीं सकते हैं।
किसी भी मॉल में जाने के बाद स्पा सेंटर्स के जितने भी दलाल हैं वो कॉरिडोर में खड़े हो जाते हैं और वहां से जो भी खरीदारी करने वाले लोग मॉल्स में जाते हैं उनको वो झाले देकर बुलाने लगते हैं और ये प्रलोभन देते हैं कि उनके यहाँ सस्ते में मसाज हो जाएगी और उनको यहाँ पर फुल सर्विस का ऑफर किया जाता है। इसी सबसे परेशान होकर इन व्यापारियों ने वीरवार को मेगापोलिस मॉल में विरोध प्रदर्शन किया और इनका कहना यह है कि अगर गुरुग्राम में इसी तरह धड़ल्ले से ये काला व्यापार चलता रहा तो वो समय दूर नहीं है जब सभी व्यापारियों को मॉल्स खाली करने होंगे। और कुछ वजह ये भी है कि मॉल्स में आधी से ज़्यादा दुकानें खाली पड़ी हैं क्योंकि बहुत से दुकानदार इन मसाज पार्लर्स के इस काले धंधे के चलते अपनी दुकानों को मॉल से हटा चुके हैं, बंद कर चुके हैं। देखिए, अभी भी आप किसी भी मॉल को अगर देखेंगे जहाँ पर ज़्यादा स्पाज है वहाँ पर रिटेलर्स अपनी शॉप्स बंद कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। इस मॉल में अभी 10 से 11 स्पा हैं पर वो लिमिटेड है ऊपर वाले लेवल्स तक। आप अगर देखेंगे तो माहौल बहुत गंदा होता है। अब ये एक स्पा है जो ग्राउंड फ्लोर पे खुल रहा है जिसके अगेंस्ट हम सारे इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये एक स्पा खुल गया तो कल को और 10 ही आएंगे क्योंकि दिल्ली में स्पास बंद हो रहे हैं। हमारी सिर्फ सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करिए, कुछ ऐसा करिए, ये स्पास ना खुलने दीजिए नहीं तो सारे गुड़गांव का सत्यानाश हो जाएगा। वी आर फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी। हाँ जी, इसकी वजह से कितना लॉस हो रहा है? इसकी वजह से बहुत लॉस हो रहा है। आज की डेट में भी दुकानदार यहाँ पर मेंटेनेंस, रेंटल वो तो निकाल नहीं पा रहा। आप देखेंगे तो 70% मॉल अभी भी खाली पड़ा हुआ है। लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ख़राब हो रही है, लोगों का बिजनेस बंद हो रहा है। हमारी मदर आती है, कभी सिस्टर आती है दुकान पर, सारा माहौल ख़राब हो रहा है, कोई फैमिली क्राउड नहीं आना चाहता। तो जब अगर ये ऐसे स्पास खुल जाएंगे तो सारे मॉल धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएंगे। एक्चुअली जो ये स्पा बन रहे हैं, पब्स बन रहे हैं, अब स्टार्ट हो गए दोबारा, पर स्टार्टिंग तो दोबारा हो गई है पर 6 महीने से हम वो स्टार्टअप फिर देख रहे हैं जो आज से हमें 2 साल पहले लॉकडाउन से पहले दिखता था कि यहाँ पर MG रोड में प्रोस्टिट्यूट्स इतनी, मतलब इतनी घूम रही हैं। देखो, फैमिली ही सफ़र कर रही है और शॉपकीपर तो अब चुप रहेगा, अब क्या करेगा, पर लिमिट होती है। अब वो खड़े हैं इसीलिए क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा और वो इनके एटीट्यूड देख रहे हैं क्योंकि जो डिसेंट फैमिली है वो तो आ नहीं रही है और प्रोस्टिट्यूट्स वाले ये सारे घूम रहे हैं यहाँ पर। और तो उनको वो चाहते ही हैं कि मतलब हमारा पहले ही रोज़गार नहीं है, तो लोगों ने की इस चीज़ को, हमने कंप्लेंट की है, हमारा कुछ सॉल्व भी हुई है प्रॉब्लम, पर वो रीस्टार्ट हो गई है। तो हम वो चाहते हैं कि वो हाँ परमानेंट इशू ये सोल्यूशन रहे। सर, ये मैं आपको बताऊँ, इस मॉल के अंदर तकरीबन 300 दुकानें हैं जिसमें से अगर आप ठीक से देखें, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, घूम के देखेंगे आधी दुकानें खाली है क्योंकि यहाँ पे स्पा हैं। ये 11 स्पा ने इस मॉल को पहले ख़त्म कर रखा है। अब इस समय प्रॉब्लम क्या आ रही है जी, इस समय जो नए स्पा आ रहे हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली बंद हो रही है, तो वो जो स्पा आ रहे हैं वो बहुत फोर्सफुली आ रहे हैं। हम उनको, हमारी एसोसिएशन है, हमारी मॉल मैनेजमेंट है, हमने मना कर दिया यहाँ कोई नया स्पा नहीं आया क्योंकि वो मॉल के लिए गलत है। एक समाज है हमारा, वो समाज चाहता है कि ना आए, बट वो एक स्पा पूरे समाज के अलग चल के हमारे को तंग कर रहा है। उसके बाद हमने उसकी शिकायत लेके हम विधायक जी के पास भी गए, सिंगला जी के पास गए, उन्होंने बोला जी ये गलत काम नहीं होने देंगे, उन्होंने पूरा सपोर्ट करा, काम बंद करा दिया गया। अब कल फिर प्रशासन वाले आए, फिर काम चालू करा दिया। अब हमारे को समझ में नहीं आ रहा जी, हम अब कितनी बार हम क्यों इतना लड़े, किसका काम है ये, कोई तो आके हमारे को सपोर्ट करे ना जी। स्पा के लिए देयर इज़ नो रेगुलेशन, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई चेक करने वाला नहीं, कुछ नहीं है। आप बस दुकान में 4 कमरे बनाएं और स्पा खोल दें। यदि अभी भी नहीं काम रोका जाए तो आगे का क्या स्टेप? हम जी इसको होल हार्टेडली लड़ेंगे जी, हम इसके प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम दलील भी देंगे, हम दरखास्त भी देंगे, हम ये स्पा नहीं खुलने देंगे जी। एक खुला तो दिल्ली से अगले महीने के अंदर यहाँ 15 स्पा और होंगे, हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा जी। ऐसा नहीं है कि मसाज पार्लर खोलना या फिर मसाज करना कराना कोई बुरी बात है, बल्कि मसाज की आड़ में इस तरह के देह व्यापार चलाना कानूनन रूप से अपराध है और इन पर लगाम भी लगनी चाहिए। बहुत से ऐसे स्पा सेंटर्स हैं जो मसाज के नाम पर ये काला व्यापार चला रहे हैं और पुलिस इनको पकड़ने में नाकामयाब है। हालांकि ऐसा नहीं है, गुरुग्राम पुलिस कई महीनों के अंतराल के बाद ऐसे मसाज पार्लर्स पर छापा भी डालती है जिनमें इस तरह के देह व्यापार चलाए जा रहे हैं, लेकिन मसाज जिस चीज के लिए मशहूर थी उस नाम को भुलाकर कुछ लोगों ने चंद सिक्कों की खातिर इस व्यापार को
काला धंधा बना लिया है और पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। दरअसल मसाज इसलिए कराई जाती थी ताकि किसी की बॉडी पेन हो, मसल्स स्ट्रेच हो गई हो, तो उनको ठीक करने के लिए एक मसाज पद्धति हुआ करती थी। जिस एक साफ सुथरे व्यापार को कुछ लोगों ने एक काला धंधा बना लिया और जिसका खामियाजा आज गुरुग्राम के मॉल में जितनी भी दुकानें हैं उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और वो दिन दूर नहीं है अगर इसी तरह इन मसाज पार्लर्स पर नकेल नहीं लगाई गई और इसी तरह इनका ये व्यापार फलता फूलता रहा, ऐसा ही गैरकानूनी काम ये लगातार करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब गुरुग्राम को भी बैंकॉक में तब्दील कर दिया जाएगा और जहां इस शहर को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में इस शहर का नाम सेक्स सिटी ना पड़ जाए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।